सुप्रभात, मैं शुभांगी स्वागत करती हूं आपका देवभूमि इनसाइडर में। रुक करते हैं आज की सुर्खियों की ओर। सबसे पहले देश और दुनिया की खबरें। दिल्ली में उपराज्यपाल और सीएम में बढ़ेगी तल्खी। एलजी कार्यालय ने लौटाई शिक्षा विभाग और वर्क बोर्ड की 47 फाइलें। उपेंद्र चौधरी बोले, लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी सीटें जीतेगी बीजेपी। अखिलेश जयंत और मायावती को बताया बरसाती मेंढक। देवेंद्र फडणवीस बोले, कांग्रेस एक डूबता जहाज, आजाद ने उठाए वाजिब मुद्दे। सुशील कुमार मोदी का दावा, जदयू की उल्टी गिनती शुरू, तेजस्वी को कभी भी सीएम बनवा सकते हैं लालू। भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला आज, दोनों टीमों ने कसी कमर। ये तो थी सुर्खियां देश और दुनिया की, अब बढ़ते हैं उत्तराखंड की सुर्खियों की ओर। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार पर बोले राहुल, अपनी नाकामी से पल्ला झाड़ रहे सीएम धामे। यूके SSSC पेपर लीक में लखनऊ RMS कंपनी का मालिक राजेश चौहान गिरफ्तार, 2 करोड़ रुपए में तय किया था सौदा। यूके SSSC सचिवालय रक्षक दल भर्ती घोटाले में पहली सफलता, प्रदीप पाल अरेस्ट, पेनड्राइव से चुराया था पेपर। सीएम धामी ने किया फूड प्रोसेसिंग एवं मैनेजिंग प्लांट का शुभारंभ, मशरूम विकास योजना लागू करने की कही बात। जसपुर विधायक आदेश चौहान का आरोप, घर आकर हुई गाली गलौच और मारपीट, जान से मारने की धमकी मिली। तो ये थी आज की सुर्खियां। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप। जय हिंद।